Hi everyone and welcome back to Indian Mom Studio. Guys, today I'm going to share with you my top 5 favorite Sigma brushes. So if you guys are interested then keep on watching. तो सबसे पहले मैं बात करूंगी जो कि सेंटर में है ये ब्रश, ये एक फेस ब्रश है और इसका जो नंबर है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. तो ये है इसका नंबर F80. यस, ये फाउंडेशन की एप्लीकेशन के लिए काफी अच्छा ब्रश है. तो जो इसके ब्रिसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा डेंस हैं, तो इससे जो आपकी जो फाउंडेशन की एप्लीकेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा एफर्टलेस हो जाती है. बहुत ही फिनिशिंग से ये आपका फाउंडेशन को लगाने में हेल्प करता है. अगर आप स्पंज यूज़ करते हैं और आपको स्पंज की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पसंद है तो इस टाइप का जो, और आप ब्रश को एक चांस देना चाहते हैं तो ये वाले ब्रशेस काफ़ी अच्छे होते हैं फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए. ये सेम वैसे ही लुक देते हैं जैसे कि आपकी आपके स्पंज देते हैं, बल्कि थोड़ा सा हैवी कवरेज देते हैं. अगर आपको हैवी कवरेज फाउंडेशन चाहिए अपने फेस पर, तो उसकी एप्लीकेशन चाहिए कि हैवी कवरेज दे, तो इस टाइप के ब्रशेस काफ़ी हेल्प करते हैं. So this is my favorite one. तो जो नेक्स्ट ब्रश है सिग्मा का उसका नंबर है E55 और ये है आई शेडिंग ब्रश. ये एक फ्लैट ब्रश है जो कि आईलिड पर आई शेडो को प्लेस करने के लिए काम में आता है. काफ़ी ज़्यादा डेंस है इसके ब्रिसल्स भी और इससे जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी इजी हो जाती है और काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन भी आता है. तो मेरा बहुत फेवरेट है, मैं हर समय इसे यूज़ करती हूँ. तो नेक्स्ट ब्रश है ये, अगेन एक आई ब्रश है और इसका नंबर है E25. यस, ये एक ब्लाइंडिंग ब्रश है और ये कुछ इस तरीके से लगता है. सॉरी गाइज, इट्स नॉट क्लीन. मैंने इसे यूज़ किया था और वॉश नहीं किया हुआ है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट. गाइज, ये एक टेपर्ड ब्रश है जिसका हेड जो होता है वो स्मॉल रहता है और ये कुछ इस तरीके से लगता है. मैं आपको क्लोजअप लुक दिखा रही हूँ इसका, जिससे कि आप इजीली इसे मार्केट में परचेज कर सकें. तो ये पर्टिकुलर क्रीज लाइन पर आई शेडो को प्लेस करने के लिए काम में आता है और बहुत ही अच्छे से ये अपने वर्क को करता है. गाइज, ये तो इस टाइप के जो टेपर्ड ब्रश होते हैं वो आपकी क्रीज लाइन पर आई शेडो को प्लेस करते हैं और पर्टिकुलर उसी प्लेस पर, ज़्यादा बाहर नहीं निकलता आपका आई शेडो, तो आपका जो फिनिशिंग होती है वो बहुत अच्छी आती है. तो गाइज, जो नेक्स्ट ब्रश है वो है E40 और ये एक टेपर्ड ब्लाइंडिंग ब्रश है. तो ये एक फ्लफी ब्रश है जो कि इस तरीके से लगता है और इसका काम होता है कि आपकी जो क्रीज पर जब आप आई शेडो प्लेस कर लेते हो उसके बाद आपके हार्श लाइन ना दिखें, तो आपकी जो आई शेडो की एप्लीकेशन है वो एफर्टलेस लगे और कोई भी हार्श लाइन ना दिखें, उसके लिए ये ब्लेंडिंग के काम में आता है. तो इससे जो आपकी आई शेडो है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है और आपका जो आई मेकअप है वो फ्लॉलेस लगता है. और ये मेरा अल्टीमेट फेवरेट ब्रश है. तो मैंने जब भी कभी आई मेकअप किया है इसके बिना वो कभी कंप्लीट नहीं हुआ है. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा फेवरेट ब्रश है मेरा. तो आप बोल सकते हो कि ये मस्ट हैव ब्रश है. तो अगर आप इन सारे ब्रशेस में से कोई एक ब्रश अगर खरीदना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि आपको खरीदना चाहिए ये E40. बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है. नेक्स्ट जो ब्रश है उसका नंबर है E45. ये एक स्मॉल टेपर्ड ब्लाइंडिंग ब्रश है और ये इतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा काम में आता है. जैसे कि आपको आउटर वी पर आई शेडो प्लेस करना है और उसे फिर ड्रैग करके अपनी क्रीज लाइन तक ले जाना है, तब के लिए ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है. और आप इसे दो तरीके से यूज़ कर सकते हो. आप नीचे भी इसे पेंसिल ब्रश की तरह से यूज़ कर सकते हो और यस, ये इतना यूज़ में नहीं आता, लेकिन आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हो इस ब्रश को, लेकिन ये मेरा फेवरेट ब्रश है. मुझे जब प्रोफेशनल आई मेकअप लुक करना होता है तब मैं ज़्यादातर इस ब्रश को यूज़ करती हूँ. डेली लाइफ में ये इतना काम नहीं आता. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं एक और ब्रश आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि एक एंगल ब्रश है. और यस, आप देख सकते हो ये एक एंगल ब्रश है और ये जेल आईलाइनर को लगाने के लिए काम में आता है. काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन देता है. आपको
आईलाइनर की एप्लीकेशन है उसे काफी हद तक स्मूथ कर देता है। तो इसका नंबर है E65। यस, तो ये जो ब्रश है मुझे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिला था। जब मैंने ये ब्रशेस परचेज किए थे तो उसके साथ मुझे ये एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिला था। तो इसका बड़ा वाला ब्रश भी आता है, जैसे कि ये ब्रशेस हैं इसी तरीके के, ब्लैक कलर में भी आता है ये। और अगर आप वो वाला परचेज करना चाहते हैं तो वो भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ब्रश बड़ा है या छोटा है, आपको काम इन ब्रिसल्स से करना होता है, तो ये चीज परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये वाला ब्रश मैंने अपने फेवरेट लिस्ट में इसलिए नहीं रखा क्योंकि इससे भी ज्यादा मुझे अपना फेवरेट एंगल ब्रश मिल गया है, और वो है मोर्फी का। तो मोर्फी का भी ब्रशेस के काफी अच्छा कलेक्शन है मेरे पास। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। मेरे पास मोर्फी के सब तरह के ब्रशेस हैं। और यस, अगर लास्ट में अगर आप मुझसे पूछना चाहो कि आपके कौन से ऐसे दो फेवरेट, मतलब बेस्ट फाइव में से भी टू फेवरेट ब्रशेस बताओ, तो मैं फेस ब्रश को तो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, सिर्फ आई ब्रशेस के बारे में बताऊंगी आपको। फेस ब्रश तो ये है ही बहुत प्यारा। और दो ब्रशेस में सबसे पहले एक ये वाला जिसका नंबर है E40, और ये एक पफी ब्लेंडिंग ब्रश है। और एक है आपका ये वाला जिसका नाम है आई शेडिंग E55। यस, ये आईलेट पे आई शेडो को प्लेस करने के लिए वर्क करता है। वैसे बहुत मुश्किल है इस चीज को बताना क्योंकि ये सारे ही ब्रशेस मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट हैं। इस ब्रश का भी अपना अलग ही वर्क है, तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है ये बोलना कि इसमें से कौन से मेरे टॉप फाइव में से भी टॉप टू फेवरेट है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आपको करना है लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपके YouTube स्क्रीन पर आसानी से पहुंच जाएं। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लव यू।